कोरोना संक्रमण के चलते राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के तहत संपूर्ण प्रदेश में 31 दिसंबर की रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू घोषित किया गया। इसके तहत किसी तरह के नव वर्ष के आगमन की पार्टी के आयोजन पर रोक लगाई गई, साथ ही किसी तरह की आतिशबाजी भी नहीं होगी, यह भी गाइडलाइन में निर्देश जारी किए गए। इसकी पालना के लिए अलवर में जिला कलेक्टर नन्नुमन पहाड़िया व एसपी तेजस्वनी गौतम ने शहर में जाब्ते के साथ गश्त किया। इस दौरान एसपी शिवलाल बैरवा, आईपीएस विकास सांगवान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 31 दिसंबर की रात को अक्सर बाजारों में रौनक रहती है, लेकिन इस बार बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ रहा और बाजारों में सिर्फ पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस लवाजमे के साथ पुलिस जाब्ता सड़कों पर देर रात तक घूमता रहा। देखिए, राज्य सरकार की स्ट्रिक्ट निर्देश है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सामूहिक आयोजनों, पार्टियों का आयोजन इस बार, पटाखे फोड़ने का आयोजन इस बार 31 दिसंबर की रात्रि को नए वर्ष की सेलिब्रेशंस में ना किया जाए। इसी बाबत नगरीय क्षेत्रों में शाम 8 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक का एक नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। अभी पूरे पुलिस महकमे के साथ और कलेक्टर साहब और मैं खुद अलवर में हम लोग गश्त करेंगे, अभी राउंड लेंगे, चेक करेंगे कहीं पे भी किसी की तरह की अनचाही मूवमेंट ना हो, और होटल्स वगैरह को भी चेक करेंगे कहीं पे भी कोई अनपरमिटेड, बिना परमिशन के और वायलेशन में कोई नहीं पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहा हो, और उनके उस बाबत पे एक एक्शन लिया जाएगा। एक लोगों से अपील भी रहेगी सड़क पे जो घूम रहे हैं कि आप लोग जाएं, इस बार नया वर्ष अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों में मनाएं। कोरोना महामारी से फाइट करने के लिए ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतें और इस प्रोटोकॉल और इस आदेश की कड़ाई से पालना करें।